मुंबई कर अगर आप इन ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरे के बीच बस या ऑटो से ट्रैवल करते हैं तो सावधान हो जाइए। आपको सावधान होने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भीड़ में कब और कहां, कैसे हमारे बीच किसके जरिए कोरोना घूमता रहता है और हम इस बात से अनजान रहते हैं। अगर आप कोरोना के इस समय में भी सार्वजनिक वाहनों से आना जाना कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप हर रोज ऐसे अनजान लोगों के बीच रहकर सफर कर रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं कि उन्हें कोरोना है या नहीं। इन लोगों के बीच सफर करना आपके लिए, हमारे लिए कोरोना को बुलावा देने जैसा हो सकता है। ऐसे में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए आज कुछ इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। कोरोना के इस संकट काल में जाहिर सी बात है कि लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर तो जाएंगे एवं घर की महिलाएं रोजमर्रा के सामान को लेने के लिए बाजार तो जाएंगी ही। इसलिए ये हम सब की मजबूरी है जिसे पूरा करने के लिए हमें घर से निकलना ही पड़ता है। तो ऐसे में जरूरतें और भी बढ़ जाती है कि इस खतरनाक महामारी कोरोना के प्रकोप से बचे और अपना अधिक से अधिक ख्याल रखे, क्योंकि लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती ही नजर आ रही है। ऐसे में संभव हो तो अपना वाहन इस्तेमाल करें। ऐसी स्थिति में सबसे पहला सुझाव तो यही है कि अगर संभव हो तो सार्वजनिक वाहन से आना जाना बंद करके आप अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करें, क्योंकि सार्वजनिक वाहन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, प्राइवेट टैक्सी लें। अगर आपके पास निजी वाहन नहीं है और आप प्राइवेट टैक्सी या ऑटो बुक करने के लिए सक्षम है तो आपको प्राइवेट टैक्सी या ऑटो से सफर करना चाहिए। इसमें कम से कम आप अकेले सफर करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अच्छे से हो सकेगा। तीसरी बात, आप मास्क बाहर जाते वक्त अपने मुंह पे मास्क जरूर लगा के रखें। अपनी यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति में अपना मास्क बिल्कुल ना उतारें। पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहने और मास्क को सही से पहने। मास्क में आपका मुंह और नाक अच्छे से ढका होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप खुद तो मास्क पहन के ही रखिए, लेकिन साथ ही में अगर आपके आजू बाजू वाले भी मास्क नहीं पहन के रखते हैं तो आप उसे भी मास्क पहनने के लिए बोल सकते हैं, या फिर सामने वाले ने मास्क ठीक से नहीं पहन रखा हो तो आप उस व्यक्ति से कहे कि वह अपना मास्क ठीक से पहने। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी शिकायत करें। हाथ बार बार सैनिटाइज करें। समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहे। बिना सैनिटाइज किए अपने हाथों से अपने आँख नाक मुँह को हाथ ना लगाए। यह खतरनाक साबित आपके सेहत के लिए हो सकता है। न्यूज डेस्क मेटिस्टी समाचार।